दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? शालू। मैम, कब से आ रहे हैं आप डेरा सच्चा सौदा? काफ़ी टाइम हो गया, 18-20 साल हो गए आते आते। मैम, आप कह रहे हो 18-20 साल हो गए, काफ़ी लंबा समय होता है। कैसा माहौल देखने को मिला है आपको डेरे के अंदर, आश्रम के अंदर? बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ आके जो सुकून मिलता है वो घर में भी नहीं मिलता है, जो यहाँ सुकून मिलता है आके। इंसान तड़पते हैं यहाँ आने के लिए। मैम, मीडिया चैनलों पर कुछ दिखाया गया था कि मतलब जो लड़कियों के लिए माहौल है वो आप बताएंगे कि कैसा है? आप कह रहे हो जाते हैं आप लंबे समय से, इतने टाइम से हम आ रहे हैं, पर जो उसमें दिखाया गया था वो तो आज तक नहीं देखा हमने। पता नहीं उन्होंने कहाँ से दिखाया, पर हमने तो ये माहौल आज तक देखा ही नहीं है। हम इतने टाइम से आ रहे हैं, रुक रुक कर भी जाते हैं, आज तक ये माहौल नहीं देखा जो उसमें दिखाया। आपको पता है कुछ वो काम जो संत जी ने मानवता भलाई के लिए करवाए हैं, कुछ काम बता सकते हैं क्या आप? हाँ, बहुत से काम है, नशे छुड़वाना, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना और जोड़ना डेरे से। अधिकतर भलाई के ही कार्य करें अभी तक तो। मैम, आप कह रहे हो कि भलाई के संत जी ने इतने सारे कार्य करे हैं, तो लड़कियों के लिए आपको कुछ काम अगर संत जी ने करवाए हैं तो आप क्या बता सकते हैं? लड़कियों के लिए किए हैं, पर क्योंकि हम थोड़ा कम ही आते जाते हैं जब से शादी हुई है, तो इसीलिए। अभी संत जी आए थे 30 दिन की फरलो पर यहाँ पर सबके बीच में, तो उन्होंने समाज भलाई के लिए क्या योगदान दिया? नशे छुड़वाए हैं इतने लोगों के जो तड़प रहे थे, उन्हें नाम दान दिया है नाम लेने के लिए, और बहुत कार्य करवाए हैं। तो आप लोग मतलब ऐसे ही आपका विश्वास है डेरे पे? बहुत विश्वास है जो कभी टूट ही नहीं सकता। आप लोग आते रहेंगे आगे? हाँ जी, हमेशा आते रहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक तो आते ही रहेंगे और जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं, लगातार लोगों का यही कहना है कि संत जी के हम आश्रम में आते रहेंगे, जो भी मानवता भलाई के कार्य हैं उसमें योगदान देते रहेंगे। संत जी 30 दिन की फरलो पर आए थे और उसमें भी उन्होंने मानवता भलाई के कामों को बढ़ चढ़ के किया। 20 लाखों का लोग जो हैं वो नशा छोड़ रहे हैं उनके सिर्फ 1 महीने में। तो सोचिए कि हमारे समाज को संत जी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.